हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीएलसी क्या होती है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और एचपीएलसी किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है और इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरह की होती है। और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे इसकी क्या क्या एप्लीकेशन होती है, मतलब इसको किस फील्ड में हम यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी एडवांटेजेस एंड कुछ डिसएडवांटेजेस। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एचपीएलसी क्या होता है। एचपीएलसी क्या होता है? एचपीएलसी इज़ अ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये एक ऐसी एनालिटिकल टेक्निक है जिसको यूज़ करके हम किसी भी मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको क्वांटिफाई कर सकते हैं। एनालिटिकल टेक्निक का मतलब है कि किसी भी कंपोनेंट की एनालिसिस करना, मतलब उसको हम क्वांटिटेटिवली एनालाइज कर सकते हैं, उसको क्वालिटेटिवली भी एनालाइज कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कि उसकी कितनी क्वांटिटी मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है, मतलब एक सैंपल के अंदर वो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है वो हम एनालाइज कर सकते हैं। और क्वालिटेटिव का मतलब है कि वो कितना प्योरीफाई फॉर्म में हमें प्रोडक्ट मिला है, मतलब हमने जो सेपरेट किया है कंपोनेंट वो कितना प्योरिटी के साथ हमें मिला है, उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। सो एचपीएलसी एक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का ही टाइप है। इसको कॉलम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहा गया है क्योंकि इसको एक कॉलम के अंदर परफॉर्म किया जाता है और इसमें जो मोबाइल फेस होती है वो लिक्विड होती है, इसलिए इसको कॉलम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर रखा गया है। सो एचपीएलसी को हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ये एचपीएलसी होती है इसकी जो रेजोल्यूशन पावर होती है वो बहुत हाई होती है, इसलिए इसको हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहा गया है। मान लीजिए हमारे पास एक मिक्सचर है, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। अब जैसे कि मैंने अलग अलग कलर से यहाँ पे आपको दिखाया है, तो जो ये एचपीएलसी होता है ये इजिली इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाता है। ये इसको इजिली पता चल जाता है कि ये वाला प्रोटीन है, ये वाला कार्बोहाइड्रेट है, कुछ भी जो मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं इसको ये इजीली डिस्टिंग्विश कर सकता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं हाई रिजोल्यूशन पावर। रिजोल्यूशन पावर का मतलब होता है कि किसी भी दो कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है एचपीएलसी में, इसलिए इसको हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहा गया है। जैसे कि हमारे पास ये मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स है, इसके अंदर हमने एक कंपोनेंट को सेपरेट करना है, तो हमने ये रेड कलर में जो मैंने दिखा रखा है इसको हमने सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो इतने सारे कंपोनेंट के बीच में ये रेड कलर को सेपरेट करना ये किसकी हेल्प से पॉसिबल है? ये हम एचपीएलसी की हेल्प से कर सकते हैं। अब इस प्रोडक्ट को हम सेपरेट कर लिया हमने, अब इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन है, ये डीएनए है, कुछ भी है, जो भी है, ये क्या चीज़ है। और फिर इसको हम क्वांटिफाई भी कर सकते हैं कि इस मिक्सचर के अंदर ये कितनी मात्रा में प्रेजेंट था। ये सारा एचपीएलसी की हेल्प से ही पॉसिबल है। सो जो एचपीएलसी है ये कंपोनेंट को सेपरेट करती है, उनको प्योरीफाई करती है ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। अब पोलैरिटी क्या होता है? पोलैरिटी का मतलब है कि किसी भी कंपोनेंट की वाटर के साथ किस तरह का रिलेशन है उसका, वो उसको पसंद करता है, वो उसको नापसंद करता है, उसके बेसिस पे ये कंपोनेंट को सेपरेट करती है एचपीएलसी। सो पोलैरिटी के बेसिस पे कंपोनेंट दो टाइप के होते हैं, ये होते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब है कि जो कंपोनेंट वाटर को पसंद करते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, ठीक है, उनको हम वाटर लविंग बोलते हैं। अब दूसरे कंपोनेंट्स आते हैं हमारे पास हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि वो वाले कंपोनेंट जो वाटर को पसंद नहीं करते उनको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। तो इनके बेसिस पे जो ये एचपीएलसी है ये कंपोनेंट्स को सेपरेट करती है, उनको प्योरीफाई करती है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि जो एचपीएलसी है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। सबसे पहले इसमें आता है स्टेशनरी फेज। अब जितनी भी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स है इनके अंदर स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज दो फेजेस होती है। इन दोनों के बीच में जो हमारा मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारा कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट है, वो इन दोनों के साथ वो इंटरेक्ट होता है। अब जो स्टेशनरी फेज होती है ये एचपीएलसी में एक कॉलम के अंदर पैक्ड होती है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे जो ये बीड्स है ये सॉलिड एड्सोर्बेंट मटेरियल है, इसका एग्जांपल है सिलिका। अब जो ये कॉलम है, कॉलम के अंदर ये जो बीड्स है ये सिलिका के बीड्स है जो कि हाइड्रोफिलिक होते हैं नेचर में।
अब जो ये सिलिका के बीड्स है ये टाइटली पैक्ड होते हैं कॉलम के अंदर। इनका पैक्ड होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो ये एचपीएलसी क्रोमेटोग्राफी है इसके अंदर जो मोबाइल फेस होती है उसको हाई प्रेशर के ऊपर अप्लाई किया जाता है, इसलिए हम इसको हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बोल सकते हैं। सो एचपीएलसी में जो मोबाइल फेस है उसको पूरे फ्लो के साथ पूरे प्रेशर के साथ जब अप्लाई करते हैं तो स्टेशनरी फेस जो होती है उसका हाईली पैक्ड होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, हमारा जो कॉलम है वो ख़राब ना हो और जिस कंपोनेंट को हम सेपरेट करना चाहते हैं वो अच्छे से सेपरेट हो सके। अब जो ये स्टेशनरी फेस होती है इसके अंदर जो ये सिलिका के बीड्स होते हैं ये बहुत छोटे छोटे साइज़ के होते हैं। ऐसा क्यों होता है, हम इसमें लार्ज साइज़ के बीड्स क्यों नहीं लेते हैं? इसमें स्मॉल साइज के बीड्स लेने का मतलब है कि जो हमारा मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब जो हमारा कंपोनेंट है जिसको हम सेपरेट करना चाहते हैं, उसको ज़्यादा सरफेस एरिया मिल सके इंट्रैक्ट करने के लिए, इसलिए जो सिलिका के बीड्स होते हैं वो स्मॉल साइज के लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक डिब्बा है, उस डिब्बे के अंदर हम बड़ी बड़ी बॉल्स डाल दी हैं तो वो दो चार ही आ पाएंगी। अब अगर हम उसमें थोड़े छोटे साइज की बॉल्स ऐड करेंगे तो वो थोड़ी ज़्यादा आ जाएंगी, और अगर हम उससे और छोटे साइज़ की बॉल्स ऐड करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसमें आ सकती है। इसलिए अगर हमने उसके अंदर कोई भी मिक्सचर ऐड करना है, कोई वाटर ऐड करना है, कोई सॉल्यूशन ऐड करना है, तो अगर हम छोटी छोटी बॉल्स डाल रहे हैं तो वो उन सारी बॉल्स को टच करके, मतलब उनके साथ इंट्रैक्ट करके वो तब जाके नीचे जा पाएगा, ठीक है? तो इस वजह से जो छोटी छोटी बॉल्स है वो बहुत ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा बॉल्स के साथ जो है इंटरेक्ट कर पा रहा है। तो इसी वजह से जो स्टेशनरी फेज है इसमें क्या करते हैं, जो सिलिका की बीड्स होती हैं वो स्मॉल साइज के होती है ताकि हमारा जो कंपोनेंट है वो अच्छे से सेपरेट हो सके, मतलब वो उसको लार्जर सरफेस एरिया मिल सके इंटरेक्ट करने के लिए, उसको सेपरेट होने के लिए ज़्यादा एरिया मिल सके। अब दूसरा हमारे पास आता है सैंपल, ठीक है? अब जब हमारे पास जो एचपीएलसी है इसमें जब सैंपल हम अप्लाई करते हैं तो उसको हाई प्रेशर के ऊपर अप्लाई किया जाता है। पहले हम मोबाइल फेस डालते हैं, ठीक है? उसके आगे एक पंप लगा होता है, उस पंप के थ्रू हम उसका जो फ्लो है उसका जो प्रेशर है वो सेट करते हैं मोबाइल फेस का, और उसके आगे एक इंजेक्शन वॉल्व होता है, उस वॉल्व से हम इंजेक्ट करते हैं अपना सैंपल। अब इसमें सैंपल जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, हो सकता है वो प्लांट पिगमेंट हो सकता है कोई बैक्टीरियल टॉक्सिन हो सकता है कोई फंगल टॉक्सिन हो सकता है कोई हमारे पास यूरिन का कोई कंपोनेंट हो सकता है ब्लड का कोई कंपोनेंट हो, तो इसमें सैंपल कुछ भी हो सकता है। तो उस सैंपल को स्टेशनरी फेस के ऊपर अप्लाई किया जाता है। अब स्टेशनरी फेस के ऊपर मोबाइल फेस और सैंपल दोनों फ्लो करते हैं। अब नेक्स्ट कंपोनेंट इसमें आता है मोबाइल फेस। अब जो ये मोबाइल फेस है ये एचपीएलसी के अंदर हाइड्रोफोबिक भी हो सकती है और हाइड्रोफिलिक भी हो सकती है, बट आजकल जो मोस्टली हम एचपीएलसी यूज़ करते हैं उसमें जो मोबाइल फेस होती है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है, क्योंकि जो स्टेशनरी फेस होती है उसके अंदर जो सिलिका के बीड्स होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं नेचर में, बट उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है रिवर्स क्रोमेटोग्राफी में, ठीक है? मतलब उसको जो रिवर्स एचपीएलसी है उसमें उसको मॉडिफाई करके उसके साथ C18 चेन ऐड कर दी जाती है, जिसकी हेल्प से क्या होता है जो सिलिका के वीड्स हैं उनका नेचर चेंज हो जाता है, वो हाइड्रोफोबिक हो जाते हैं। तो इस एचपीएलसी में हम जो मोबाइल फेस यूज़ करेंगे वो हाइड्रोफिलिक होगी नेचर में, जिसकी वजह से जो हमारे कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर है, ठीक है, वो क्या होंगे, वो उनकी पोलैरिटी के बेसिस पे सेपरेट हो जाएंगे। कंपोनेंट कुछ भी नेचर के हो सकते हैं, हो सकता है वो हाइड्रोफिलिक हो सकता है वो हाइड्रोफोबिक हो, बट अगर हमने किसी भी हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट को सेपरेट करना है तो उसके लिए हम मोबाइल फेज यूज़ करेंगे हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब है कि वो वाटर लविंग है, उसमें ज़्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होगा, इसमें 90% वाटर होता है जबकि 10% इसमें सॉल्वेंट होता है। सो जो ये मोबाइल फेज है ये हाइड्रोफिलिक होती है। जब इसको स्टेशनरी फेज से अप्लाई किया जाता है तो हमारा जो सैंपल है सैंपल के अंदर जो हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट होंगे वो तो इस मोबाइल फेज के साथ ही वॉश आउट हो जाएंगे, ठीक है? और जो हाइड्रोफोबिक होंगे वो इन बीड्स के साथ इंट्रैक्ट करेंगे, वो इनके साथ अटैच हो जाएंगे, क्योंकि ये सिलिका के बीड्स जो है इनको हमने मॉडिफाई कर रखा है, इसके साथ हमने C18 जो है चेन अटैच कर रखी है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोफोबिक नेचर के हो गए हैं। अब जो हमारा सैंपल जो है सैंपल के अंदर जो कंपोनेंट है जो हाइड्रोफोबिक होंगे वो इसके साथ इंट्रैक्ट करेंगे और जो हाइड्रोफिलिक होंगे वो मोबाइल फेस को पसंद करेंगे और इसके साथ ही वो बाहर निकल जाएंगे। जो हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट थे उनको तो वॉश आउट कर दिया, उनको एल्यूट कर दिया। अब हमारे पास रहता है मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट।
मतलब जो कंपोनेंट जो है जो इसके साथ अटैच हो गए हैं, इसके साथ जिन्होंने बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, अब उनको हमने अगर इससे बॉन्ड ब्रेक करवाना है उनका, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास स्टेप आता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि हम उसमें जो ये वाटर है इसकी कंसंट्रेशन कम करते जाएंगे और जो सॉल्वेंट है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे। मतलब मोबाइल फेस अभी इसमें हाइड्रोफिलिक है नेचर में, तो उसमें जब हम वाटर का कंटेंट कम करते जाएंगे और सॉल्वेंट का कंटेंट बढ़ाते जाएंगे तो वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर हो जाएगी। मतलब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम जो ये 90% वाटर था इसको हम 10% वाटर के लेवल पे ले आएंगे और 90% सॉल्वेंट के लेवल पे ले जाएंगे। मतलब थोड़ा कम करते 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 एकदम से नहीं करेंगे। अब इसमें क्या होगा, जैसे जैसे हम इस मोबाइल फेस को हाइड्रोफिलिक से हाइड्रोफोबिक नेचर की तरफ ले जाएंगे तो हमारे जो इसके साथ जो कंपोनेंट अटैच होंगे, मतलब जिन्होंने इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया होगा, वो इसके नेचर में चेंज होने की वजह से जब मोबाइल फेस हाइड्रोफोबिक हो जाएगी नेचर में, तो वो इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और यहाँ से ब्रेक होकर इसके साथ ही वॉश आउट हो जाएंगे। इस प्रकार हमारा जो कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेपरेट हो जाएगा, उसको हमने अच्छे से प्योरीफाई कर लिया है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की हेल्प से हम अपना मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको कॉलम से बाहर एल्यूट करवा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो एचपीएलसी क्रोमेटोग्राफी है ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। जो हमारा मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारा कंपोनेंट है, वो दो फेजेस के बीच में क्या करता है, वो इंट्रैक्ट करता है दो फेजेस के बीच में। मतलब उसकी प्योरिफिकेशन जो होती है वो स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के बीच में होती है, कॉलम के अंदर। ठीक है, जो स्टेशनरी फेज होती है वो सिलिका बीड्स की होती है, वो ग्रेनुलर मटेरियल की होती है, और जो मोबाइल फेज होती है वो सॉल्वेंट होती है या फिर सॉल्वेंट का कोई मिक्सचर हो सकता है। अब इसमें हम सैंपल इंजेक्ट कर देते हैं मोबाइल फेज के फ्लो के साथ। ठीक है, और जो कंपोनेंट्स होंगे मिक्सचर के हमारे, वो उसके साथ माइग्रेट होंगे कॉलम के अंदर अलग अलग रेट से। जिसका हाइड्रोफिलिक नेचर होगा वो मोबाइल फेज के साथ बाहर चला जाएगा और जिसका हाइड्रोफोबिक नेचर होगा वो स्टेशनरी फेज के साथ अपना बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। अब इसके बाद हमारा जो कंपोनेंट्स है वो कॉलम के थ्रू जब ट्रैवल करना स्टार्ट कर देंगे तो उसमें जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होंगे वो सबसे पहले एल्यूट हो जाएंगे और उसके बाद जब वो कॉलम को लीव कर देंगे तब स्टेशनरी फेज के साथ आगे एक डिटेक्टर अटैच किया होता है। ये जो डिटेक्टर होता है ये यहाँ से सिग्नल रिसीव करता है कि कौन सा कंपोनेंट आया है और उस सिग्नल को वो भेजता है रिकॉर्डर को। मतलब डिटेक्टर के साथ एक रिकॉर्डर अटैच किया होता है और नीचे की तरफ इसमें एक वेसल अटैच किया होता है, एक कलेक्टिंग ट्यूब ऐड की होती है। उसमें हमारा जो सैंपल यहाँ से रन हुआ है वो उसमें कलेक्ट हो जाएगा और उससे रिलेटेड जो सिग्नल होगा उसको वो रिकॉर्डर को भेज देगा और रिकॉर्डर क्या करेगा, एक ग्राफ की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेगा। अब जो ग्राफ की फॉर्म में उसने जो डाटा इंटरप्रेट किया है उसको हम बोलेंगे क्रोमेटोग्राम। ठीक है, ये क्रोमेटोग्राम जो है ये एक रिकॉर्डर के ऊपर हमें शो होता है, एक पीक फॉर्म होती है उस कंपोनेंट की, जो कंपोनेंट इस कॉलम से वॉश आउट हुआ है, इससे जो एल्यूट हुआ है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो ये क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन कैसी होती है। इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन कुछ इस तरह की होती है। इसमें सबसे पहले हमारे पास होता है सॉल्वेंट रिजर्वॉयर जिसके अंदर हमारी मोबाइल फेस होती है और उसको कनेक्ट किया होता है एक पंप से। पंप का क्या काम होता है, पंप एक फ्लो रेट सेट करता है, पंप एक प्रेशर अप्लाई करता है मोबाइल फेस के फ्लो में। ठीक है, मतलब उसको हाई प्रेशर पे अप्लाई करता है पंप। अब यहाँ से मोबाइल फेस ट्रेवल कर रही है और उसके आगे एक इंजेक्टर वेल्व अटैच किया होता है, उस इंजेक्टर वेल्व से हम अपना सैंपल इंजेक्ट कर सकते हैं। अब मोबाइल फेस यहाँ से ट्रेवल करती हुई गई और उसको आगे रास्ते में मिल गया सैंपल। अब सैंपल को लेकर वो चली जाएगी इस कॉलम के अंदर। अब इस कॉलम के अंदर हमारी क्या है, स्टेशनरी फेज है। ठीक है, स्टेशनरी फेज जो है वो सॉलिड एडसोर्बेंट मटेरियल है जो कि सिलिका के बीड्स हैं। अब ये उन सिलिका बीड्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे जो हमारे सैंपल के अंदर कंपोनेंट्स होंगे और जो सिलिका बीड्स के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे, मतलब जो सेम नेचर के होंगे वो इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और जो इसको पसंद नहीं करेंगे, मतलब जो अपोजिट नेचर के होंगे, वो मोबाइल फेस के साथ ही यहाँ से एल्यूट हो जाएंगे। तो जो मॉलिक्यूल इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर चुके हैं वो हमारे कॉलम के अंदर
रह जाएंगे और बाकी जिन्होंने बॉन्ड फॉर्म नहीं किया है वो यहाँ से वॉश आउट हो जाएंगे, वो एल्यूट हो जाएंगे मोबाइल फेस के साथ ही। अब नेक्स्ट इसमें अटैच किया होता है डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या करता है, जो इसमें हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स बाहर निकले हैं, मतलब हमारा जो ये मोबाइल फेस है ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर है और हमारे जो कॉलम के अंदर जो बीड्स है इसको हमने मॉडिफाई करके हाइड्रोफोबिक बना रखा है। अब जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो इसको पसंद करेंगे, वो इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, और जो हाइड्रोफिलिक होंगे वो मोबाइल फेस को पसंद करते हैं इसलिए वो मोबाइल फेस के साथ ही बाहर चले जाएंगे और डिटेक्टर उनको डिटेक्ट करेगा और जो सैंपल यहाँ से बाहर निकला है उसको एक कलेक्टिंग ट्यूब में कलेक्ट कर लेगा और जो उससे रिलेटेड जो सिग्नल है उसको भेजेगा आगे रिकॉर्डर को। रिकॉर्डर में क्या होता है, एक ग्राफ की फॉर्म में वो डाटा इंटरप्रेट करता है। अब इंस्ट्रूमेंटेशन तो आपने देख ली कि इस तरह की होती है, लेकिन हम अपना सैंपल अप्लाई करने से पहले जो है इंस्ट्रूमेंटेशन में सबसे पहला स्टेप परफॉर्म करते हैं इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का मतलब है कि हम अपने कॉलम को अच्छी तरह से चेक करते हैं कि हमारा सैंपल जो है अब हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये सैंपल लोडिंग के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, तो उस इक्विलिब्रियम स्टेप की हेल्प से हम इसको एनालाइज करते हैं। अब इक्विलिब्रेशन में क्या होता है, जब हम इसमें मोबाइल फेस खाली उसको ही यहाँ से माइग्रेट करवाते हैं। अब जो मोबाइल फेस होती है वो एक बफर की फॉर्म में होती है। अब जो बफर को इससे जब हम माइग्रेट करवाते हैं तो हमारे पास जो ये रिकॉर्डर होता है इसके अंदर जो एक बेस लाइन फॉर्म होती है इस तरह से, तो इसका मतलब है जब इस तरह की बेस लाइन फॉर्म होगी तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो ये इंस्ट्रूमेंटेशन है पूरा जो कॉलम है वो हमारे सैंपल एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल है, मतलब अब हम उसमें सैंपल अप्लाई कर सकते हैं, उसके अंदर कोई भी अदर इम्प्यूटिस नहीं है, तो इस तरह से हम उसमें सैंपल अप्लाई करते हैं। अब जब मैंने आपको अभी बताया कि कॉलम के साथ जो कंपोनेंट इंट्रैक्ट हो चुके हैं वो इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और जो बाकी जो इसको पसंद नहीं करते, जो मोबाइल फेस को पसंद करते हैं वो उसके साथ ही बाहर माइग्रेट हो जाएंगे। अब उनको यहाँ पे कलेक्ट कर लिया और उनसे रिलेटेड जो डाटा है वो रिकॉर्डर को भेज दिया। अब रिकॉर्डर क्या करेगा, इस बेस लाइन थी पहले हमारे पास, अब ये यहाँ पे एक पीक डेवलप कर लेगा, तो ये जो पीक है ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स की है क्योंकि मोबाइल फेस जो है वो हाइड्रोफिलिक नेचर की है और हाइड्रोफिलिक जो कंपोनेंट है मिक्सचर के अंदर वो उसके साथ फ्लो हो गए हैं, मतलब उसके साथ वो माइग्रेट हो गए हैं, इसलिए वो जो हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट है मिक्सचर के उन्होंने यहाँ पे पीक फॉर्म कर ली है। अब बाद में जब इन कंपोनेंट को हमने यहाँ से बाहर एल्यूट करवाना होगा तो उसमें अप्लाई करते हैं जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम जिस तरह से बढ़ाते जाएंगे तो उसकी हेल्प से जो हमारे जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होंगे वो वहाँ से वॉश आउट हो जाएंगे, वो भी यहाँ से एल्यूट हो जाएंगे, तो यहाँ पे सेकेंड पीक जो फॉर्म होगी वो किसकी फॉर्म होगी, वो होगी हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट्स की, मतलब जो हमारा मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट है उसकी पीक फॉर्म होगी। तो इस प्रकार से हम इस ग्राफ को देखकर पता लगा सकते हैं कि हमारा जो कंपोनेंट है वो सेपरेट हो चुका है कि नहीं। इस एक्सिस में क्या होता है, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं रिटेंशन टाइम और इसमें हम कंसंट्रेशन का पता कर सकते हैं। तो रिटेंशन टाइम का मतलब होता है कि कितने टाइम तक हमारा जो कंपोनेंट है वो कॉलम के अंदर रहा, उसको बोलते हैं रिटेंशन टाइम। तो इस प्रकार से कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन होती है एचपीएलसी की। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एचपीएलसी क्रोमेटोग्राफी के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मतलब इसकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन होती है उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है सॉल्वेंट रिजर्वायर जिसके अंदर मोबाइल फेस होती है, और दूसरा आता है इसमें पंप। पंप क्या करता है, ये फ्लो रेट को डिसाइड करता है, मतलब ये जो हमारा मोबाइल फेस है उसके फ्लो को सेट करता है और इसलिए ये जो पंप होता है ये कंट्रोल कर सकते हैं हम इसको, ठीक है, और मतलब इसमें जो फ्लो होता है वो कंट्रोलेबल होता है और रिप्रोड्यूसिबल फ्लो रेट होता है इसका। अब नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है इंजेक्टर। इंजेक्टर क्या होता है, जहाँ से हम सैंपल अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं इंजेक्टर। इंजेक्टर जो होता है ये कॉलम के साथ अटैच होता है, कॉलम के अंदर ही सारी सेपरेशन होती है, मतलब कॉलम के अंदर ही हमारा जो सैंपल के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं मोबाइल और स्टेशनरी फेस के बीच में। अब कॉलम के अंदर सेपरेशन होती है और कॉलम जो होता है हमारा वो स्टेनलेस स्टील का हो सकता है या फिर ग्लास का हो सकता है। जो स्टेनलेस स्टील का कॉलम होता है वो ज़्यादा टॉलरेट करता है लार्ज वेराइटी ऑफ सॉल्वेंट को, मतलब उसमें हम ज़्यादा वेराइटी की सॉल्वेंट्स अप्लाई कर सकते हैं एज कम्पेयर टू ग्लास कॉलम। अब नेक्स्ट इसमें आता है डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या करता है, ये सेपरेशन को ऑब्जर्व करता है, मतलब सेपरेशन जो कॉलम के अंदर होती है कंपोनेंट्स की उसको ये मॉनिटर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल।
मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की फॉर्म में ये सेपरेशन को ऑब्जर्व करता है और उस सिग्नल को भेजता है रिकॉर्डर को। अब डिटेक्टर के साथ आगे अटैच होता है रिकॉर्डर। रिकॉर्डर क्या करता है, ये उस सिग्नल को ऑब्जर्व करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, मतलब उस डाटा को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। अब डिटेक्टर से रिकॉर्डर अटैच होता है और डिटेक्टर के साथ ही एक कलेक्टिंग ट्यूब भी अटैच होती है, जिसके अंदर हमारा जो सैंपल उससे रन हुआ है, मतलब जो एल्यूट हुआ है कॉलम के बाहर, उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें दो और चीज़ें होती है कि डी गैसर और एक कॉलम हीटर। डी गैसर क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारे पास जो कोई भी हम सैंपल अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके अंदर अगर हमारे पास बबल्स फॉर्म हुए हैं, तो उन बबल्स को ख़त्म करने के लिए एक डी गैसर होता है, जिसकी हेल्प से हम उन बबल्स को वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ताकि वो नॉइज़ क्रिएट ना कर सके हमारे रिजल्ट के अंदर। और इसी प्रकार एक कॉलम हीटर होता है। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे ही एक्टिव रहते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, जो कॉलम हीटर होते हैं उनको यूज़ किया जाता है, ताकि हम जो टेम्परेचर है कॉलम का उसको एलिवेट कर सकें। अब हम बात कर लेते हैं कि जो एच पी एल सी है ये कितने टाइप की होती है। पहला इसमें आता है नॉर्मल फेज एच पी एल सी। इसमें क्या होता है, जो कॉलम की पैकिंग होती है वो पोलर होती है, और मोबाइल फेज जो होती है वो नॉन पोलर होती है। मतलब जो मोबाइल फेज होगी वो हाइड्रोफोबिक होगी, और जो कॉलम होगा वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होगा। क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया कि जो एच पी एल सी होती है उसमें जो सिलिका के बीड्स हम यूज़ करते हैं वो हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, लेकिन उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है C18 चेन के साथ, इसलिए उनका जो नेचर है वो हाइड्रोफिलिक से हाइड्रोफोबिक हो जाता है। तो नॉर्मल फेज जो होती है उसमें ये हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है, लेकिन उसके बाद जो है एक और रिवर्स फेज एच पी एल सी की फॉर्मेशन हुई, लेकिन लेकिन हमारे पास मोस्ट ऑफ द जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। तो इस केस में क्या है, हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए एच पी एल सी को मॉडिफाई किया रिवर्स फेज एच पी एल सी में। इसमें क्या किया, जो कॉलम था उसको हाइड्रोफोबिक बना दिया गया, और जो मोबाइल फेज थी उसको हाइड्रोफिलिक बना दिया गया। तो नॉर्मल फेज से ये उल्टी होती है, जो रिवर्स फेज एच पी एल सी होती है। इसमें जो कॉलम होता है वो नॉन पोलर होता है, क्योंकि इसमें C18 चेन अटैच की भी होती है, जो कि कॉलम को, मतलब सिलिका के बीड्स को, जो हाइड्रोफोबिक बना देती है। और इसमें जो मोबाइल फेज हम यूज़ करते हैं वो पोलर होती है, वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है। अब नेक्स्ट इसमें टाइप आता है एच पी एल सी का, आयन एक्सचेंज एच पी एल सी। आयन एक्सचेंज एच पी एल सी में क्या होता है, जो कॉलम होता है वो आयनिक ग्रुप अटैच होते हैं उसके साथ, और जो मोबाइल फेज होती है उसमें एक बफर होता है। जिस प्रकार से आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है साइज एक्सक्लूजन एच पी एल सी। इसमें क्या होता है, इसमें पोरस मीडियम होता है, मतलब पोर्स होते हैं, उन पोर्स से होते हुए हमारा जो कंपोनेंट है वो साइज के बेसिस पे सेपरेट होता है। एच पी एल सी के अंदर ये सारी हम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। आयन एक्सचेंज के बेसिस पे अगर हमने सेपरेट करना है, तो हम आयनिक ग्रुप की बेसिस पे सेपरेट कर सकते हैं, साइज के बेसिस पे भी सेपरेट कर सकते हैं, या फिर पोलैरिटी के बेसिस पे भी सेपरेट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो एच पी एल सी होती है उसके कौन कौन से एप्लीकेशंस होती हैं, इसको कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले इसमें आता है एनालिसिस ऑफ ड्रग्स। अब ड्रग्स को एनालाइज करना होता है कि हमारी जो ड्रग है वो क्वालिटेटिवली फिट है या फिर क्वांटिटेटिवली ठीक है, तो उसको एनालाइज करने के लिए भी हम एच पी एल सी यूज़ करते हैं। क्योंकि ड्रग्स के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, कौन सा कंपोनेंट किस मात्रा में है, वो प्योरीफाई फॉर्म में है नहीं है, ये सारी एनालिसिस जो है एच पी एल सी की हेल्प से होती है। और इसी तरह अगर हमने किसी भी एनवायरमेंटल प्रोडक्ट को एनालाइज करना है, तो उसमें पॉल्यूटेंट का एनालिसिस के लिए भी हम एच पी एल सी यूज़ करते हैं। इसी प्रकार प्रोडक्ट की प्योरिटी को जानने के लिए, या फिर उसकी क्वालिटी कंट्रोल को चेक करने के लिए भी हम एच पी एल सी यूज़ करते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके अंदर कौन सा कंपोनेंट जो है वो पूरी क्वालिटी के साथ है, मतलब वो प्योरीफाई फॉर्म में है कि नहीं है, और उसकी प्योरिटी कितनी है, उसकी क्वालिटी किस तरह की है, मतलब उसकी क्वांटिटी क्या है, ये सब सारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की एनालिसिस होती है, ये सारी एच पी एल सी की हेल्प से होती है। इसी प्रकार वाटर प्योरीफिकेशन के लिए भी हम एच पी एल सी यूज़ कर सकते हैं, और इसको यूज़ किया जाता है आइसोलेशन ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। किसी भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट को हमने अगर आइसोलेट करना है, तो उसके लिए हम एच पी एल सी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एच पी एल सी जो है ये हाईली प्योरीफाई फॉर्म में हमें प्रोडक्ट देती है।
इसके अंदर जो सेपरेशन होती है वो हाई लेवल की सेपरेशन होती है, इसलिए एचपीएलसी को किसी भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट को आइसोलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस है। जो एचपीएलसी है इसकी कौन कौन सी एडवांटेजेस है, एक तो इसकी ज़्यादा स्पीड के साथ ये काम करती है, ये फटाफट से हम किसी भी प्रोडक्ट को हमने आइसोलेट करना है, उसको सेपरेट करना है तो हम एचपीएलसी यूज़ कर सकते हैं, और ये हाई एफिशिएंसी के साथ काम करती है और पूरी एक्यूरेसी के साथ काम करती है, और ये एक्सट्रीमली प्रिसाइज रिजल्ट हमें देती है। किसी भी प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन करनी है या फिर क्वांटिफिकेशन करनी है तो उसका जो रिजल्ट होता है वो प्रिसाइज फॉर्म में होता है, मतलब उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होती। और अब हम बात कर लेते हैं इसकी लिमिटेशंस की, तो इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले इसमें लिमिटेशन है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है और ये एक कॉम्प्लेक्स मशीन होती है जो ये एचपीएलसी क्रोमेटोग्राफी होती है, और इसकी जो सेंसिटिविटी है ये बहुत लो होती है, मतलब ये किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो सेंसिटिविटी होती है इसकी ये बहुत कम होती है, और जो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं वो इसमें अच्छे से सेपरेट नहीं हो पाते हैं। ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि एचपीएलसी क्या होता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में, और लास्ट में हमने डिस्कस किया कि इसके क्या क्या एप्लीकेशंस होती है और साथ में इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।